तो वर्कआउट करने के लिए एज कितना होना चाहिए, हमें जिम ज्वाइन करना चाहिए और नहीं, और सप्लीमेंट यूज करना चाहिए और नहीं, और होम वर्कआउट करते हैं तो रिजल्ट कब मिलेगा? जब हम होम वर्कआउट स्टार्ट करते हैं, पुशअप्स मारते हैं तो लोग बोलते हैं कि बेटा पुशअप मत मार, हाइट रुक जाएगी, और जब जिम जाते हैं तभी बोलते हैं कि जिम मत जा, हाइट रुक जाएगी। मतलब लोग खुद की जिंदगी में कुछ उखाड़ा नहीं और खुद को ज्ञान देने लगते हैं। तो लोगों का काम है बोलना और हमारा काम है लोगों को बुलवाना। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो। सो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं कि बिगिनर्स घर पर होम वर्कआउट कैसे करें, स्टार्ट कैसे करें, किन एज में स्टार्ट करते हैं और सप्लीमेंट यूज करें ना करें। तो वीडियो में ऑल डिटेल्स मैं आपको समझाने वाला हूं। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब, लाइक एंड डोंट फॉरगेट हिट बेल आइकॉन। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो आप जिम जाके वर्कआउट कर रहे हो या फिर घर पर वर्कआउट कर रहे हो, फर्क नहीं पड़ता। आप कैसे वर्कआउट कर रहे हो वो फर्क पड़ता है। लाइक मेरे जैसा, मैं घर पर डेली वर्कआउट करता हूं कंसिस्टेंसी के साथ, तो मेरा रिजल्ट आपके सामने है। तो अब मैं जिम भी ज्वाइन कर चुका हूं, जो कि जिम का भी वीडियो अपडेट दूंगा चैनल पर। सो फिट रहना अलग बात है और बॉडी बनाना अलग बात है। मतलब आप क्रिकेट में या फुटबॉल में रुचि रखते हो तो आप एक जिम बंदे के साथ आप हैवी वेट लिफ्टिंग नहीं कर सकते हो, हैवी वेट उठा नहीं सकते हो। लेकिन आप रनिंग करोगे तो आप एक जिम बंदे के साथ तो आप ही जीतोगे। तो फिट और बॉडी बिल्डिंग, बॉडी बनाना अलग बात है। तो इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूँ बॉडी बनाने के लिए, और फिट भी रह सकते हो इस वर्कआउट को करके। आंसर नंबर वन जो कि है पुशअप्स या फिर जिम जाने से हाइट रुक जाती है। तो भाई देखो, हाइट कुछ भी मैटर नहीं करता, आप वर्कआउट करते हो या जिम जाते हो। तो ये डिपेंड करता है आपकी जेनेटिक पर, और वर्कआउट भी ऐसा कुछ काम नहीं करता कि ये वर्कआउट करने से मेरा हाइट ग्रोथ बढ़ जाएगी। तो डिपेंड करता है ये आपकी जेनेटिक पर, हाइट ग्रोथ, हाइट इंक्रीज। तो ये था मेरा आंसर। और जो कि सेकंड आंसर है, हमारा एज 12 से 15 के बीच में है और हम सप्लीमेंट यूज कर सकते हैं या फिर नहीं। तो भाई साफ साफ मेंशन करते हैं कि सप्लीमेंट में ये प्रोडक्ट आप यूज कर सकते हो 18+। सो मानता हूं मैं एक सप्लीमेंट नेचुरल होती है, लेकिन आपकी बॉडी भी आप नेचुरल तरीके से ग्रो करो। आपकी जब तक आपकी टीन एज है, 19+ हो जाएगी तब यूज कर सकते हो, 18+ हो जाएगी तब यूज कर सकते हो तो अच्छा होगा। क्योंकि भाई देखो 12 से 19 साल जो हमारी बॉडी ग्रोथ होती है ज्यादा होती है। तो आप नेचुरल जितना बिल्ड कर सकते हो घर पर वर्कआउट करके बिल्ड कर सकते हो, और जब आपकी सप्लीमेंट लेने का इच्छा हो तो आप यूज कर सकते हो 18+। जब आपकी 18 साल के ऊपर हो जाएगी आप सप्लीमेंट यूज कर सकते हो। लाइक मेरे जैसा, मैंने स्टार्ट किया था 18 साल के बाद, मैंने स्टार्ट किया था जब मेरा 19 साल, अब मेरा 19 साल मुझे हो रहा है। तो जब मैं 18 साल प्लस हो गया तो मैंने पहला सप्लीमेंट था क्रिएटिन, जो कि मैं लिया था मसल ब्लेज का। तो ये कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है, लेकिन मैंने इसे मेरे खुद के पैसा से बाय किया था, जो कि मेरा फर्स्ट सप्लीमेंट ये था। तो मैं आपको झूठ क्यों बोलूं, मैं सप्लीमेंट यूज करता हूं, जो कि आपको मैं दिखाना चाहता हूं। प्लस ये कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है, बट आपको दिखाना चाहता हूं। बस मैंने इतना ही सप्लीमेंट यूज किया है मेरे लाइफ में, और भी सप्लीमेंट यूज किया है लेकिन उसका पैकेट नहीं है। तो फ्रेंड्स, बिगिनर्स टू टाइप होते हैं, पहला हो गया मोटा और दूसरा हो गया पतला। मोटे को चाहिए थोड़ा फैट कम हो और थोड़ा फिट रहे, और पतले को थोड़ा फिट हो सके, दोनों को फिट रहना है। लेकिन ये जो भी मैं वर्कआउट बताने वाला हूँ दोनों ही अप्लाई कर सकते हो आप अपनी स्टार्टिंग वर्कआउट में। तो वीडियो को शुरू करते हैं, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दो जल्दी। तो हमारा जो पहला वर्कआउट है जंपिंग जैक, जो कि हम ये 20 से 30 रैप वार्म अप सेट लगाएंगे, जो कि हमारे फुल बॉडी वार्म अप हो जाएगा और ये फैट लॉस करने के लिए भी हेल्प करेगा। तो वार्म अप के बाद अपन करेंगे बॉडी वेट वर्कआउट, जो कि आप पुशअप, चिन अप, पुल अप्स, ये सब हो गया, स्क्वाट्स हो गया बॉडी वेट वर्कआउट। तो पुशअप जो बंदे नहीं कर सकता उसके लिए भी ये वर्कआउट हेल्प करेगा। मतलब कैसे स्टार्ट करते हैं पुशअप जीरो लेवल से। तो अगर आपको पुशअप्स नहीं होता तो ऐसे नी पुशअप कर सकते हो स्टार्टिंग में, और आपको पुशअप होता भी है आप वार्म अप सेट लगाइए ऐसे 5 से 10 रैप। उसके बाद आपको स्टार्ट करना है पुशअप्स। बिगिनर्स को स्टार्टिंग में 10 से 20 पुशअप मारना चाहिए। तो आपको डेली मारना है 20 पुशअप, 4 सेट हो या 2 सेट, आप हर सेट के बीच 1 मिनट का रेस्ट ले सकते हो। हमारा जो सेकंड वर्कआउट है स्क्वाट्स, जो कि सब लोग जानते हैं क्योंकि स्कूल में हमें पनिशमेंट मिलता था। आप डेली ट्राई करो कि 10 से 30 रैप स्क्वाट्स मारने का। आप डेली करो 10 से 20 रैप स्क्वाट्स, आप आपके हिसाब से सेट्स लगा सकते हो। हमारा थर्ड वर्कआउट है क्लाइंबर, जो कि हमारे कोर मसल पर टारगेट करते हैं और फैट लॉस करने में हेल्प करते हैं और एप्स निकालते हैं। तो आपको ये करना है 20 से 30 रैप। आप स्टार्टिंग में बिगिनर्स हो तो 10 से 20 रैप स्टार्टिंग में कर सकते हो। थर्ड वर्कआउट है ये वर्कआउट जो हमारा ट्राइसेप मसल को ग्रो करने में हेल्प करेगी। तो आपको ये करना है 20 रैप्स टोटल, और आप अपने हिसाब से सेट रैप्स लगा सकते हो। फोर्थ एक्सरसाइज है अपर बॉडी की सबसे बढ़िया एक्सरसाइज पुल अप। ये आप करते हो तो आपके बैक मसल, शोल्डर, थोड़ा चेस्ट और बाइसेप ट्राइसेप पर भी लोड पड़ता है। लेकिन आपको पुल अप्स नहीं होता तो कमेंट कर देना, मैं कोई वीडियो में बता दूंगा। फिफ्थ एक्सरसाइज है डिक्लाइन पुशअप्स, जो कि अपर चेस्ट एंड फ्रंट शोल्डर पर इफेक्ट पड़ता है। तो आपको ये करना है 3 सेट 8-8 रैप। फिर आपको करना है इंक्लाइन पुशअप, जो कि आपकी लोअर चेस्ट एंड बैक मसल पर इफेक्ट पड़ेगा। सेम वही रैप सेट लगा सकते हो। मैंने जितने भी वर्कआउट बताए आप हफ्ते में 4 ही दिन तो कर ही सकते भाई। आपको लास्ट में करना है बाइसेप वर्कआउट 2 ईटों की मदद से। आप अपने हिसाब से सेट रैप्स लगा सकते हो। आई होप फ्रेंड ये वीडियो आपको पसंद है, तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करके आप अपना होम वर्कआउट शुरुआत कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कौन सा टॉपिक वीडियो आना चाहिए कमेंट करना, एंड अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब, लाइक एंड डोंट फॉरगेट हिट बेल आइकन। जय श्री राम।